मैं कब से वेट कर रहा हूँ। ये कितनी अच्छी जगह है, मेरे होम टाउन की याद दिला दी। इतना टाइम यहाँ रहने के बाद भी मैं यहाँ सेटल नहीं हो पाया। सच में? पर मुझे लगा तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो जरूर कोई जरूरी बात होगी मिस्टर निबुया। गीवास जो ग्रीन बीम छोड़कर गया, हमने उसका एनालिसिस पूरी तरह तैयार कर लिया है, जिससे पता चला होशिमोटो सिटी के अंदर एक हाई एनर्जी चीज है जिसे हम ढूंढ रहे थे, और यह इंफॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है। इसकी लोकेशन पता चली? ये किट सुनेगा मोरी जंगल में है, जो शहर के ईस्ट में है। हमारे हिसाब से वहीं कहीं होना चाहिए। वो बहुत ही बड़ा जंगल है, पर अगर उसका पता लग गया तो काफी अच्छा होगा। कोड नेम है ओनिक्स, तो वो सच में शहर में है। क्या बात है, यहाँ कोई है? तो तुम यहाँ हो रुकी हो? और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। YouTube पर ऑफिशियल अल्ट्रामैन हिंदी चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते। मैं लेटेस्ट अल्ट्रामैन सीरीज अल्ट्रामैन आर्क से युवा हिजे। अल्ट्रामैन आर्क हर सैटरडे इस चैनल पर हमारे खास हिंदी व्यूवर्स के लिए हिंदी डबिंग में दिखाया जाएगा। 6 जुलाई को पहला एपिसोड देखना ना भूलें। मोनोहोन में ऐसा हो रहा है? सही कह रहे हो, वहां से हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स निकल रही है। मॉनिटरिंग सिस्टम के नंबर्स डिग्लोस हादसे के साथ पूरी तरह मैच कर रहे हैं, जिसमें से तेज आवाज आई थी। फिलहाल तो काइजू के होने की खबर नहीं आई है, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। युमा और यूपी, तुम दोनों माउंट शिशु जाकर इन्वेस्टिगेट करो। ओके। और रिन, तुम इस पर और डेटा एनालाइज करो। मैं रिपोर्ट अथॉरिटीज को भेजता हूँ और एनालिसिस डिस्कस करता हूँ। ओके। आप लोगों ने मोनोहोन के बारे में कुछ सुना क्या? हाँ, और हम वहीं के लिए निकल रहे हैं। अच्छी बात है, मैं भी चलता हूँ। ओके ओके। अरे रुको, अगर मिस्टर इशी तो जा रहे तो तुम बच जाओ यूपी, मुझे तुमसे दूसरे जरूरी काम करवाने हैं। अरे नहीं। थैंक यू यूपी। चलो फिर जल्दी मिलते हैं यूपी। अरे यार। मुझे लगा था आप थोड़े बिजी हैं। अगर तुम आज सुबह के बारे में बोल रहे हो तो मैं कॉफी बीन्स लेने गया था। अच्छा, वरना मुझे लगा कि कुछ हुआ है। क्या हुआ? मैं स्किप जा रहा हूं। मोनोहॉन में कुछ डिटेक्ट हुआ है। जैसा कि तुम जानते हो, हमें शक है कि कुछ वक्त के लिए मोनोहॉन में होने वाली चीजें ओनिक से जुड़ी हैं।
बार बार जिस तरह के हादसे हो रहे हैं उससे लगता है वहां जरूर कुछ चल रहा है। अपना ध्यान रखना। जी सर। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो ना युमा? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस माउंटेन पर तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। मिशन हो या ना हो ये मुश्किल ही होता है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने स्किप में भी इसके बारे में सबसे पूछ लिया है। तुम बहुत स्ट्रांग हो मेरे दोस्त युमा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम यहां हो रूटियन? आपने भी कुछ सुना मिस्टर शू? नहीं नहीं तो। मेरे कान बज रहे हैं। तुम्हें छिपने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। क्या बात है? यहाँ कोई तो है। मिस्टर शिडो, मिस्टर शिडो। ये जगह बचपन में दादी मां के साथ यहां आया था। बहुत दिन हो गए ना युमा। जब हमने पहली बार बात की थी ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ मिस्टर शिडो, वो दूसरी तरफ सो रहे हैं। तो मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? कोई है जिसने मुझे खदेड़ कर यहां धरती पर पहुंचा दिया और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूं। युमा, इस तरह आमने सामने मिलने से हम दोनों की एनर्जी कम हो जाएगी और हमारे पास अब कुछ ही मौके बचे हैं। चलो। अल्ट्रामैन टीगा मल्टी टाइप, अल्ट्रामैन जीरो,
Ultraman Blazer, Ultraman Jade Primitive, Ultraman Tomica UTC Series coming! पृथ्वी से बहुत बहुत दूर एक गैलेक्सी में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां बेहद आधुनिक सभ्यताएं रहती हैं। उनमें से एक प्लैनेट मेरा घर है। उस प्लैनेट पर मेरा नाम है रूटियन। रूटियन? हाँ, ठीक सुना। ये प्लैनेट्स आपस में शांति से रहते थे, लेकिन फिर एक हादसा हो गया। हमारा सूरज सोनिया अचानक से एक्सपैंड करने लगा। उसे अगर बढ़ने दिया जाता तो वो हर प्लैनेट को जलाकर राख कर देता। सभी प्लैनेट के लीडर्स ये सोचने लगे कि इस महाविनाश को कैसे रोका जाए। फिर एक लीडर सामने आया, जेसू, और उसने प्रस्ताव रखा कि उसके बनाए जेसू गेट का इस्तेमाल किया जाए। जेसू गेट? एक आर्टिफिशियल वर्म होल। उसमें घुसने और निकलने के रास्ते थे। वो सोनिया की एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी दूसरी गैलेक्सी में भेज सकता था, लेकिन बाहर निकलने वाले एक रास्ते के सामने एक मुश्किल आ गई। जो कि अर्थ है। शुइशिडो, ग्लोबल डिफेंस फोर्स स्पेस साइंस डिवीजन के स्पेशल इन्वेस्टिगेटर। हम दोनों तो एक ही चीज ढूंढ रहे हैं। तो तुम लोग ऑनिक्स के बारे में जानते हो और उसे ढूंढने निकले हो। यहाँ से 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर कित्सुनेगा मोरी जंगल में। इसके अलावा कुछ नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो। अगर उस रास्ते से एनर्जी बाहर निकली तो अर्थ एक चुटकी में राख बन जाएगा। हम किसी और के प्लैनेट का बलिदान नहीं दे सकते, इसलिए लीडर्स ने जेसू को रोकने की कोशिश की, लेकिन जेसू ने जबरदस्ती अपना प्लान जारी रखा। अर्थ को बचाने के लिए हमारे लीडर्स ने मुझे भेजा। ये पता लगते ही जेसू ने किसी को मेरे पीछे लगा दिया। मेरे पास जितनी भी ताकत थी मैंने सब लगाकर जेसू के गेट को सील कर दिया, लेकिन Thank you.
उसी पल मैं तुम्हारे साथ एक हो गया और तब से मैं तुम्हारे साथ ही हूं। तुम्हारे सामने आने में मुझे बहुत देर लग गई क्योंकि मुझे अपनी ताकत को वापस हासिल करना था। मतलब आज तक तुमने ही मुझे बचाया, लेकिन आज तक किसी ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। मैं तुम्हारे मां बाप को नहीं बचा पाया, इसका मुझे आज तक अफसोस है। 16 साल हो चुके हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब मुझे वो दिन याद नहीं आता। भाग जाओ, तुम भाग जाओ। टाइम टू रन युमा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? तुमने जेसु गेट को सील करके अर्थ को तो बचा लिया है, लेकिन इसकी वजह से तुम्हारे घर का क्या हुआ? मेरा मतलब एनर्जी के पास कोई जगह नहीं है कि उसे कहीं और भेजा जाए। ये तो सोनिया वापस बड़ा होना शुरू हो जाएगा और बहुत जल्द गैलेक्सी के सारे प्लैनेट्स को तबाह कर देगा। ये वही आवाज है जो मैंने पहाड़ पर सुनी थी। ये स्वीड है, जेसु की शागिर्द। इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। इस वक्त भी मेरे कई दोस्त इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। वो हमारी गैलेक्सी को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। सब बेकार है। गैलेक्सी को तबाह होने से थोड़े वक्त के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन जेसु गेट ही एकमात्र चारा है। लेकिन हम अर्थ का बलिदान नहीं दे सकते। बकवास बंद करो। आर्क, ये उस गेट की सील तोड़ना चाहती है। Thank you.
आग? यूमा, हे यूमा, उठो उठो यूमा, यूमा। मिस्टर निबुया, इशिडो बोल रहा हूं। एक इमरजेंसी आ गई है, मैं जो वीडियो भेज रहा हूं उसे अभी चेक करो। जमीन के अंदर छुपी सील बाहर आ गई है। मिस्टर इशिडो ने अर्थ के खतरे के बारे में सबको बताया। स्वीट की चाल की वजह से मैं शक्तियों का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया। आर्क ने मुझसे बात करके मुझे समझाया। अल्ट्रामैन आर्क के अगले एपिसोड में, खतरे में फ्यूचर, टाइम टू रन ह्यूमा।